माँ बनना किसी भी महिला के जीवन के सबसे सुखमय पलों में से एक है। अगर कोई महिला पहली बार माँ बन रही है तो उसे अपने पहले हफ्ते में पहली बार माँ बनने का एहसास होता है, और अगर कोई महिला दूसरी तीसरी बार माँ बन रही है तो ये उसकी गर्भावस्था का अनुभव करने का फिर से उसे मौका मिल रहा है। आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह महिलाओं का कैसा होता है, उनके शरीर में क्या कुछ बदलाव आते हैं। बता दें, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने शरीर में छोटे मोटे बदलाव महसूस करती हैं। कुछ महिलाओं को ये लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन पहले 3 महीनों में ये बदलाव सभी को महसूस होना शुरू हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के पहले हफ्ते के अंदर आपको खान पान से लेकर हर चीज का ध्यान रखना होता है, जो बच्चे और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आपको बताते हैं, एक माँ बनने वाली महिला की गर्भावस्था के पहले सप्ताह में उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते के दौरान कोई भी बाहरी शारीरिक बदलाव नहीं होता, मगर इस दौरान कई अंदरूनी परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में अपच, कब्ज, हार्मोनल परिवर्तन, मूड में बदलाव जैसी कई चीजें होती हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को मासिक धर्म, माइग्रेन की शिकायत भी होती है। ये सब चीजें शरीर में बदलते हार्मोन से संबंधित होती है। पहले सप्ताह में बच्चे का विकास किस हद तक होता है वो भी हम आपको बताते हैं। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते के दौरान निषेचित अंडे यानी कि डिंब का ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाने के अलावा बच्चे में कोई विकास नहीं होता। गर्भाशय के एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। शुरुआती 12 से 24 घंटों तक वास्तव में आप प्रेग्नेंट भी नहीं होती हैं। मासिक धर्म चक्र के 2 हफ्ते बाद ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। फिर भी इस हफ्ते को प्रेगनेंसी के हफ्तों में माना जाता है। जब एक अंडा निषेचित होता है तो कोशिकाएं अगले 7 से 10 दिनों के लिए विभाजित होने लगती हैं। 12 से 24 घंटे तक अंडे फिलोपियन ट्यूब में निषेचित किया जा सकता है। अगर शुक्राणु और अंडे एक साथ आते हैं तो ही आप गर्भवती होती हैं। पहले सप्ताह के दौरान बच्चे को ब्लास्टोकाइट कहते हैं। प्रेगनेंसी के 1-2 हफ्ते तक अल्ट्रासाउंड में बच्चे की तस्वीर तक नहीं आती है, मगर आपके डॉक्टर इन 2 हफ्तों को भी आपकी प्रेगनेंसी में ही गिनते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, प्रेगनेंसी में हमेशा आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि तनाव का असर सीधे तौर पर आपके बच्चे पर पड़ता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेना बंद कर देना चाहिए। क्यूरेन हेल्थ टेक से आरती की रिपोर्ट।